Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. फ्रेंड्स, आपके पास Infinix का Note 30 5G और इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट लॉक सेट करना है, तो इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं इस फोन में कैसे फिंगरप्रिंट लॉक को सेट करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, जो फोन की सेटिंग रहती है, सबसे पहले आपको उसमें जाना रहेगा। या आने पर कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आ जाइए, सिक्योरिटी का एक ऑप्शन आपको नजर आएगा, यहाँ क्लिक कर लेना है। जिसके बाद आपको इस फोन में सबसे पहले स्क्रीन लॉक सेट करना रहेगा, जिसके बाद ही आप इस फोन के अंदर अपना फिंगरप्रिंट लॉक सेट कर पाएंगे। तो यहाँ से स्क्रॉल करने पर आपको फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है जो देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे स्क्रीन लॉक का भी जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल मिल जाएगा। सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, पैटर्न लॉक सेट करना है तो पैटर्न पर क्लिक कीजिए, पिन लॉक लगाना है तो पिन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर पासवर्ड लॉक सेट करना चाहते हैं स्क्रीन लॉक के लिए तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने पैटर्न को चूज किया है, आप जो भी लॉक लगाना चाहते हैं स्क्रीन लॉक के लिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे अपना लॉक डाल दीजिए, दो बार आपको सेम ही लॉक डालना पड़ेगा एंड कन्फर्म करना पड़ेगा। यहाँ इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आप कर लीजिए डन। डन करने के बाद अब आपको फिंगरप्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो स्क्रीन लॉक आपने बनाया था वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, एड फिंगरप्रिंट पर क्लिक कीजिए एंड नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको जो भी फिंगरप्रिंट फोन के अंदर ऐड करना है वो अपने फिंगरप्रिंट सेंसर पर आप टच करा सकते हो, तो आपके इस फोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेट होना शुरू हो जाएगा। एक चीज के बारे में और बता दूं, यहाँ फिंगरप्रिंट की मदद से कुछ ऐप्सों को भी आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि कॉल को आंसर कर सकते हो, और भी फीचर्स आपको यहाँ फिंगरप्रिंट की मदद से एक्सेस करने के मिल जाते हैं। तो आगे आप वीडियो में जानेंगे वो भी आप कैसे सेट कर पाओगे। तो चलिए आगे यहाँ पे फिंगरप्रिंट को सेट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट यहाँ पे लग चुका है हमारा, हम यहाँ पे फिनिश कर लेंगे इसको। अब अगर आप फिंगरप्रिंट की मदद से कुछ चीज को एक्सेस करना चाहते हो तो ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, जिसकी को अनलॉक कर सकते हो, ऐप लॉक भी अनलॉक कर पाओगे। अगर एक्स हाइट को भी आप एक्सेस करना चाहते हो फिंगरप्रिंट की मदद से तो आप वो भी कर सकते हो। या कुछ फीचर मिल जाते हैं फिंगरप्रिंट की मदद से जिनका आप यूज कर पाएंगे, तो इसके लिए आप इस ऑप्शन पर सेलेक्ट कीजिए। या कॉल को एक्सेप्ट कर सकते हो, जैसे फिंगरप्रिंट प्रेस करेंगे आपकी कॉल एक्सेप्ट हो जाएगी। और अलार्म को भी आप बंद कर सकते हो, जैसे फिंगरप्रिंट प्रेस करेंगे अलार्म बोल रहा हो तो आपका अलार्म भी स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये सेटिंग भी देखने को मिल जाती है, जो कि आप अपने हिसाब से रख सकते हो। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।